So hello guys, welcome back to the Movie Lectures, and in this lecture we are going to talk about some of the most important terms that are used in bacterial conjugation process. These terms are F minus, F plus and HFR, okay. And another term is F prime, okay. तो ये चार पचास टर्म है जिन्हें कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन प्रोसेस में बहुत ही बार हर बार यूज किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब समझना ओके. तो हम अभी इन चारों का मतलब समझेंगे. तो एफ माइनस का मतलब होता है कि एक ऐसी सेल जिसमें कि एफ फैक्टर मीन्स फर्टिलिटी फैक्टर, ओके. एफ फैक्टर मीन्स फर्टिलिटी फैक्टर, एक ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है उसे हम एफ माइनस नाम देंगे. एफ माइनस मीन्स जिसमें की फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट, ओके. और एफ प्लस मीन्स जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद हो, जैसे कि इस वाली सेल में हम देख सकते हैं बी नंबर में, ओके. तो ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसमें की फर्टिलिटी फैक्टर पहले से मौजूद हो उसे हम एफ प्लस नाम देंगे, ओके. अब हम चलते हैं HFR. इसका फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स, ओके. हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स HFR का फुल फॉर्म होता है. और ये समझते हैं कि HFR का मतलब क्या है, ठीक है. तो जब भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जो प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड वो इंटीग्रेटेड हो जाता है तो उसे हम, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एफ प्लाज्मिड भी इंटीग्रेट हो, ठीक है. तो जो भी मतलब कि जो भी इसमें एक्सटर्नल जो क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगर क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो गया, यानी कि इसी के साथ जुड़ गया क्रोमोसोम के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एफ प्लाज्मिड था वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर गया, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिला और इसी को हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि HFR, ओके. तो जब भी बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड है, तो जब भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल वो जब भी जैसे कि प्लाज्मिड हुआ तो वो जब भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाता है तो हमें, तो उसे हम HFR स्ट्रेन कहते हैं, उस बैक्टीरियल स्ट्रेन को, कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन, ठीक है. तो अब समझते हैं हम कि एफ प्राइम क्या होता है. तो एफ प्राइम को समझने के लिए हम और अनदर फिगर लेंगे उसे और अच्छे समझने के लिए, ठीक है, ओके. तो ये रहा वो फिगर. और जैसे कि हमने अभी प्रीवियस फिगर में देखा था कि कैसे जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाता है तो हमें HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन मिलता है, ठीक है. और अब हम देखते हैं कि जो F प्राइम स्ट्रेन है वो कैसे आता है, F प्राइम स्ट्रेन कैसे बनता है, ठीक है. जो F प्लाज्मिड है जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करता है तो ये जो प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है. ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल भी होती है. रिवर्सिबल होने का मतलब ये जो प्रोसेस है रिवर्स में भी हो जाती है, ठीक है. जैसे कि F प्लाज्मिड इंटीग्रेट किया था वो वापस भी अलग हो सकता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, ठीक है. तो जब यही सिचुएशन आती है कि जब एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होने लगता है किसी सिचुएशन के चलते, तो जब ये अलग होता है तो ये अपने साथ कुछ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ भी जोड़ लेता है और अपने कुछ इसके बैक्टीरियल कुछ जो बैक्टीरियल जीनोम की कुछ जीन्स हैं वो एफ प्लाज्मिड के साथ ही जुड़ जाते हैं और ऐसे प्लाज्मिड को हम एफ प्राइम, और ऐसी सेल जो कि इस प्रकार की प्लाज्मिड को अपने अंदर कंटेन की हुई, यानी कि ऐसा जब भी ऐसा प्लाज्मिड किसी सेल के अंदर पाया जाएगा तो उसे हम एफ प्राइम स्ट्रेन नाम देंगे उस सेल को, ठीक है. यानी कि देखो, यानी कि जब एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स, और जब एफ प्लाज्मिड में बैक्टीरियल जीन्स का या बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इंटीग्रेट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एफ प्राइम, ठीक है. अब हम समझ गए, ठीक है. तो देखो एक और बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे एफ प्लाज्मिड को एफ प्राइम नहीं बोला जा रहा है, ठीक है. जो कि इसके बजाय जो सेल है जो बैक्टीरियल सेल जिसके पास ये प्लाज्मिड है इस प्रकार का, इस टाइप का जो प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरियल सेल में होगा उसे बोलेंगे हम एफ प्राइम स्ट्रेन, ठीक है, ओके. तो अब हम समझेंगे, जैसे कि हमने अपने पहले जो बैक्टीरियल कंजुगेशन का जो पहला पार्ट था उसमें हम समझ चुके थे एक एग्जाम्पल से कि एफ प्लस और F माइनस के बीच जो F माइनस स्ट्रेन है बैक्टीरिया के उसके बीच कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है. और अब हम इस वाले पार्ट में समझेंगे कि HFR, ओके, HFR और F माइनस के बीच रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है और F प्राइम, ओके, और F प्राइम और F माइनस के बीच रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है. हम यहाँ पे दो केस समझने वाले हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स और F माइनस के बीच रिकॉम्बिनेशन और F प्राइम और F माइनस के बीच रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. तो अगले फिगर पे चलते हैं इस चीज को समझने के लिए,
ओके, तो ये हम आ चुके हैं अपने अगले फिगर पर, और इसमें हम समझेंगे कि एफ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स और एफ माइनस जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उनके बीच कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जो मेन जो फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक प्रोसेस है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की ही है, वैसे ही बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की बेसिक प्रोसेस है इसमें, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में समझी थी। ओके, और इसमें कुछ डिफरेंस आएंगे जो यानी कि इस इन दोनों का जो रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें कुछ डिफरेंस होंगे एफ प्लस और एफ माइनस की रिकॉम्बिनेशन की तुलना में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स और एफ माइनस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल के बीच में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये रहा एफ प्लस स्ट्रेन ऑफ द सेल। एफ प्लस स्ट्रेन ऑफ द सेल का मतलब ये है कि ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके पास एफ फैक्टर यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर पहले से ही मौजूद हो उसे हम एफ प्लस स्ट्रेन ऑफ द सेल बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आखिर कैसे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट जो स्ट्रेन है उसका फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। ठीक है, तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो एफ प्लाज्मिड था वो जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड करता है तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट जो स्ट्रेन है उसकी प्राप्ति होती है, या वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले स्टेप से समझ रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट और एफ माइनस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल के बीच में रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस होगी, और यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो समझा था वहां पे सेक्स ट्यूब का फॉर्मेशन शो कर रहा था, यानी कि वो एफ वो यानी कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेक्स प्लस का फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है, यानी कि टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम का फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन है वो शो किया जा रहा है। ठीक है, और एक और बात मैं इस लेक्चर में बोलना चाहूंगा कि जो टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम है उसकी डिटेल स्टडी अभी हम इस वाले लेक्चर में नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो जस्ट अगला लेक्चर आएगा वो टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम, उसके बारे में उस लेक्चर में हम टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम की डिटेल जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप यही है, अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं तो इनमें जो फिम्बरी पाए जाते हैं ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम फिमरी कहते हैं। ठीक है, उनकी सहायता से ये आपस में दोनों जो बैक्टीरियल सेल हैं एफ माइनस और एच एफ आर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ये आपस में कांटेक्ट में आएंगी। अब होगा क्या, अब शुरू होगी दूसरे स्टेप में अब दूसरे स्टेप में शुरू होगा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन। ठीक है, और हमने पहले जो पहला पार्ट था बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का उसमें समझा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसेस बिल्कुल जो है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ये जो प्रोसेस है दूसरे स्टेप तक ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे कि एफ प्लस और एफ माइनस स्ट्रेन के बीच में हुई थी। ठीक है, तो दूसरे स्टेप ओके, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बना लेंगे, समझने के लिए यहीं पे हम समझेंगे इसी फिगर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर में है वो है फर्टिलिटी फैक्टर, और ये जो ब्लू कलर में है वो है यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोजोम। ओके, तो सॉरी यहाँ पे फिगर में एक चीज गलत इन्होंने ये बना दी है, यहाँ पे इन्होंने ब्लू पार्ट कर दिया है जबकि यहाँ पे ये रेड पार्ट होगा। ठीक है, रेड पार्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा एफ प्लाज्मिड और ये रहा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, आरसीआर प्रोसेस यानी कि रोल इंसर्ट का रेप्लिकेशन, सबसे पहले स्टेप क्या होता है रिलैक्सोसोम की जो हेल्प से जहाँ पे ओराइटी रीजन होगा ओरिजन ऑफ ट्रांसमिशन जो और सॉरी ओरिजन ऑफ ट्रांसफर जो रीजन होगा ओराइटी वहां पे कट लगेगा रिलैक्सोसोम प्रोटीन्स की हेल्प से, और ये होगा क्या जो 3' to 5' जो स्ट्रैंड होगा ओके 3' to 5' जो स्ट्रैंड होगा उसका ट्रांसफर होगा टू द रेसिपिएंट सेल यानी कि एफ माइनस। ठीक है, और एक और बात, ये जो एफ प्लाज्मिड है ये अपने साथ कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट अपने साथ इसी एफ माइनस सेल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और एक और बात इस प्रोसेस में ये होती है कि हर टाइम जब भी प्रोसेस होती है 99% ऑफ द केसेस में ये होता है कि इनके बीच जो कनेक्शन है जो सेल के बीच जो कनेक्शन बना हुआ है दोनों सेल्स के बीच में वो टूट जाता है और ये जो प्रोसेस है ये पूरी नहीं हो पाती, जिसके चलते कुछ कुछ पार्ट ही एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो पाता है और इसी प्लाज्मिड के साथ कुछ जीन्स भी इसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस का रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि जो एफ माइनस जो सेल है वो एफ माइनस ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि एफ जो एफ प्लाज्मिड है उसका पूरा का पूरा ट्रांसफर अभी एफ माइनस सेल में यानी कि रेसिपिएंट सेल में नहीं हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि जो एफ माइनस सेल है जिसने कि रिकॉम्बिनेशन में भाग लिया एफ एच एफ आर सेल के साथ वो एफ माइनस ही रह जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है एफ प्लाज्मिड
और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ जेनेटिक मटेरियल इस एचएफआर का जो ट्रांसफर हुआ है उसके अब दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये कि इसी के साथ इंटीग्रेट हो जाए और दूसरा ये होता है कि ये डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, दो केस यहाँ पे रहते हैं बाद में। ठीक है, तो अब ये जस्ट एक नॉर्मल सी प्रोसेस थी कि आखिर कैसे जो एच एफ आर और एफ माइनस जो स्ट्रेन है उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हमने यही समझा। ठीक है, जस्ट वैसी प्रोसेस है, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये एफ प्लाज्मिड अपने साथ साथ क्योंकि इसी में इंटीग्रेट है तो अपने साथ साथ कुछ जीन्स इस वाले बैक्टीरियल क्रोमोजोम के भी अपने साथ साथ एफ माइनस में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और इस वाली ये जो प्रोसेस है ये इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, 100 मिनट्स लगते हैं इस प्रोसेस में। और ये प्रोसेस आपने पूरी प्रोसेस और ये जो प्रोसेस है पूरे टाइम होने से पहले ही खत्म हो जाती है, यानी कि इनके जो बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। ठीक है, जिसके चलते कुछ ही पार्ट एफ प्लाज्मिड का और उसी के साथ साथ कुछ पार्ट जी जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है एच एफ आर स्ट्रेन का वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रांसफर हुआ तो पूरा पार्ट तो एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ नहीं, इसलिए भी यहाँ पे सिर्फ दो केस बनते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो F- जो सेल है वो F- ही रह जाती है और ये जो जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हुआ है F- सेल में यानी कि रेसिपिएंट सेल में, उसके दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये कि ये किसी इसी के साथ इंटीग्रेट हो जाए और दूसरा केस ये कि ये इसी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक नॉर्मल बहुत ही ईजी प्रोसेस थी कि कैसे हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंस और एफ माइनस के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे और नेक्स्ट फिगर में कि कैसे एफ प्राइम और एफ माइनस जो स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल है उनके बीच कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब हम वहां पे थोड़ा उस फिगर पे चलते हैं और इस प्रोसेस को भी समझ लेंगे कि एफ प्राइम और एफ माइनस के बीच कैसे जो रिकॉम्बिनेशन है वो होता है। ठीक है, तो वहां पे चलते हैं थोड़ा। तो ओके गाइस, ये हम आ चुके हैं अपने इस वाले फिगर में और अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें ये शो कर रहा है कि कैसे एच एफ आर से एफ प्राइम ऑफ द सेल बनती है। ठीक है, ये हमने पहले ही समझ चुके थे कि जब भी ये इंटीग्रेट होता है ये जो इंटीग्रेट होने की प्रोसेस है वो रिवर्सिबल भी होती है और रिवर्सिबल होने के कारण जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होता है तो इसके चलते कुछ जीन्स बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम के हैं वो एफ प्लाज्मिड के साथ ही आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अलग हो जाते हैं और ये जो इस प्रकार की जो स्ट्रेन होती है बैक्टीरियल इस प्रकार की जो सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं एफ प्राइम ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें अभी हमने पहले भी समझा था प्राइम जो स्ट्रेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अब हम सीधे समझेंगे कि जो एफ प्राइम है और एफ माइनस जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रेन है उनके बीच रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये जस्ट सिमिलर है एफ प्लस और एफ माइनस के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसी के जस्ट सिमिलर है। आपको सिर्फ समझना क्या है कि उसमें जस्ट एफ प्लाज्मिड रहता था ट्रांसफर होने के लिए एफ प्लाज्मिड बस, और इसमें अब क्या आ चुका है कि एफ प्लाज्मिड के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी इसी के साथ इंटीग्रेट हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी ट्रांसफर होंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है ये समझने वाली। ठीक है, तो जस्ट इसके साथ जो जीन होंगे उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा इसी में। ठीक है, पहले स्टेप में होगा क्या कि इसमें भी एफ यानी कि इसमें भी ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उन्हीं में शो किया जा रहा है क्योंकि इसमें सेक्स जो प्लस है यानी कि टैप फोर सीक्रेशन सिस्टम T4SS उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसमें जस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में शो किया जा रहा है ये एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, ये अटैच हो चुके और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना है उसमें जो ओराइटी रीजन होगा वहां पे रिलैक्सोसोम प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे कट लगेगा और 3' जो 5' स्ट्रैंड है वो ट्रांसफर होगा एक स्ट्रैंड यहाँ पे, और दो प्रोसेस साथ में क्या होंगी, जो एक स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसफर होगा उसका भी कम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे लगातार सिंथेसिस होगा और ये जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से जीन तो इसमें भी सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड बचेगा तो इसका भी जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो भी साथ ही साथ सिंथेसिस होगा इसके ट्रांसफर के टाइम पे। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रांसफर होगा तो जो जगह खाली होती जाएगी वहां पे कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे पहुंचते टाइम इसका भी लगातार कम्प्लीमेंट्री जो डीएनए वो सिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, यानी कि इस चीज को हम यहाँ पे एक फिगर से समझ लेंगे, जैसे कि ये रहा सबसे पहले तो ये है प्लाज्मिड। ठीक है, जस्ट समझने के लिए तो इसके मान लीजिए यहाँ पे ओराइटी ये साइट है यहाँ पे कट लगा तो जैसे कि ये रहा इसका जस्ट 5' to 3' स्टैंड और ये रहा 3' to 5' स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे कट लगा और ये है 5' एंड दिस वन इज 3'। ठीक है, तो ये जो है 3' to 5' स्टैंड है ये ट्रांसफर होगा एफ माइनस स्ट्रेन ऑफ द सेल की तरफ। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ट्रांसफर होगा यानी कि अभी हम यहाँ पे देख लेंगे ये रहा एक और स्टैंड तो ये ट्रांसफर हो रहा है इस वाली सेल में, जैसे कि ये एक सेल है ये और ये दूसरी सेल है। ठीक है, तो
तो ये जो स्टैंड है ये लगातार ट्रांसफर हो रहा है, दो प्रोसेस साथ में क्या होंगे कि ये जैसे ही एफ माइनस में आएगा ट्रांसफर होता जाएगा, तो इसका कंप्लीमेंट्री जो डीएनए है वो भी लगातार सिंथेसिस होगा, और जैसे जैसे ये इस साइड को ट्रांसफर होगा तो इसका भी कंप्लीमेंट्री जो डीएनए है वो भी लगातार सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो जब भी ये प्रोसेस एंड होगी तो दोनों तरफ जो एफ प्राइम जो यानी कि जो प्लाज्मिड है वो अब दोनों सेल्स में मौजूद होगा, और इसका इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा कि जो एफ माइनस जो सेल थी वो भी अब एफ प्राइम स्ट्रेन ऑफ द सेल बन जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस से इसे आपको बहुत इजी तरीके से समझ लेना चाहिए, बुक से ही समझ आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोसेस समझ ली है कि आखिर कैसे एफ प्राइम और एफ माइनस के बीच में जो कॉन्जुगेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।